बनाना नहीं, समझ समझ बनाना नहीं, वीडियो बना के भेजना तुम्हारी अम्मी को। हाल चाल है व्यूअर्स, खैरियत से हैं। आज फिर डाव आना हुआ है हमारा भांजे के, मेरे जो है किडनी में दर्द उठा है, तो देखते हैं अंदर, इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा है, टेस्ट वगैरह हुए हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो आपको अपडेट देते हैं थोड़ी देर में कि क्या मामलात हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सेहत दे बच्चे को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एम्बुलेंस आ गई इंशाल्लाह, ठीक है ना। आज अस्सान के गुर्दे में दर्द बहुत शदीद उठा है, आंसू को बुलवाया, एम्बुलेंस बुलवाई है और अब एम्बुलेंस में अस्सान को लेके जा रहे हैं। सबसे दुआ की। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मेडिकल एड कमेटी बनाई हुई है अपनी आपस में ख़ानदानी तौर पे, और अगर कोई गैर भी हमें दरख्वास्त देता है, कोई रिक्वेस्ट करता है और हमारे पास बजट होता है तो हम ज़रूर उसकी मदद करते हैं मेडिकल के हवाले से। तो बस ये आज है हमारे भांजे की तकलीफ़ हुई है गुर्दे के अंदर काफ़ी, तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ फिर दोबारा डाओ, क्योंकि मैं किसी भी एमरजेंसी सूरत में या किसी भी कोई सीवियर केस के अंदर लेके जाता हूँ डाओ। अगर प्राइवेट आपको इलाज कराना है तो आप डाओ जाएँ, अगर आपको गवर्नमेंट में इलाज कराना है तो फिर सिविल या जिना जाएं। अब्बासी ना जाएं, अब्बासी का बहुत बुरा हाल हो चुका है, अब्बासी के अंदर सारे आइटम बाहर से मंगाते हैं और डॉक्टर भी बस ऐवें ही होते हैं, तो वहाँ का तजर्बा मेरा अच्छा नहीं रहा। अच्छा, एक बात और बता दूं कि भाई आप एम्बुलेंस अगर यूज़ करते हैं मोस्ट अर्जेंटली और मोस्ट एमरजेंसी में, तो 112 वाली करें या अमन फाउंडेशन वाली करें, जो कि जिसमें एसी भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन भी होती है और सारी सहूलियात मौजूद है, इसमें एक डॉक्टर भी होते हैं। देखें, हम ये अमन के एम्बुलेंस में जा रहे हैं, सॉरी अमन की नहीं है, ये 112 है, अमन वाले और सिंध गवर्नमेंट वाले मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे एम्बुलेंस आपको नज़र आ रही है, बहुत अच्छी एम्बुलेंस है, ज़बरदस्त, और ये किसी के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है एम्बुलेंस। कराची में किसी भी हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देते हैं ये। अच्छा जी, इसी वीडियो के तवस्सुस से मैं आपको एक बात बता दूँ कि चिकन ना खाएं प्लीज़, ये जो फार्मी चिकन बिक रही है, देखें वीडियो आ रही है, ये मुख्तलिफ केसेस में देख रहा हूँ कि बहुत ख़राब केसेस आ रहे हैं कि जिस्म में या तो दाने निकल रहे हैं, एलर्जी हो रही है, या मैदे का जो मुंह होता है वो बंद हो रहा है, कब्ज़ हो रही है, बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इसका बायकॉट करें, क्योंकि ये जो चिकन है भाई, ये 35 दिन में तैयार की जाती है इंजेक्शन लगा लगा के। चिकन खानी है तो देसी खाएँ, भले हफ्ते में दो दफ़ा ना खाएँ, एक दफ़ा खाएँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फ़िश खाएँ, आप फ़िश खाएँ, सब्ज़ी खाएँ और फ्रूट खाएँ, तो भाई ये दवाइयों से जान छूट जाएगी आपकी। तो ये ब्रायलर मुर्गी है, वैसे इतनी महंगी हो गई, 750-800 रुपये किलो है, तो इसको ख़रीदने का खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई विटामिन नहीं है। अगर इसमें इस तरह की वो ख़राबी नज़र ना भी आए ना, तब भी इसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, कोई विटामिन नहीं है। आप फ़िश खा लें, फ़िश बहुत सस्ती पड़ती है, लास्ट टाइम भी वीडियो में आपको बताया था कि फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तकरीबन वाली कोशिश करें कि एक पीस रोज़ाना खाएँ। देखें, मेरा मेडिकल के हवाले से काफ़ी वास्ता पड़ता रहता है, तो मेरा काम है कि मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ तो आपको अवेयरनेस दूँ अपने व्यूवर्स को कि भाई क्या करना है आप और क्या ना करें। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो हमें दिख रहा है तो कम से कम उस पर हमें अमल करना चाहिए। सर्विस है, ऐसी बात है, ट्रामा है एमरजेंसी में, 1200 रुपये इसकी फ़ीस है, डॉक्टर की इनिशियली चेकअप वगैरह, ड्रिप व्रिप सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आज भी हमारा वास्ता पड़ा यहाँ का। देखें जी, डाव आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये लोग फालतू खर्चा नहीं करवाते, जो बहुत ज़रूरी टेस्ट होते हैं, ज़रूरी ट्रीटमेंट होती है, वो इनिशियली तौर पे करवाते हैं। अगर इनके बस में केस नहीं होता तो ये साफ़ मना कर देते हैं और रिकमेंड कर देते हैं किसी और हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत तवज्जो से देखते हैं। मुझे तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं डाव को यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ पेशेंट्स को मैं लेकर गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट वहाँ से शिफायाब होकर ही आया है। अच्छा जी, ये भांजे साहब भी हमारे बाहर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, इनको भी अल्लाह ताला ने सेहत दे, तो इनको 5 दिन की दवा दी है, हल्का सा इन्फेक्शन था इनके गुर्दे के अंदर, पानी नहीं पीने में अक्सर आ जाता है, कहीं उल्टा सीधा बोतलों पर या कहीं बाहर कहीं भी जाते हैं, तो ज़रा एहतियात करें, गर्मियाँ आ गई हैं, पानी ज़्यादा पिएँ, लेकिन पानी को घर में बॉयल करके पिएँ। फ़िल्टर का पानी याद रखें कि आप ले तो लेते हैं, लेकिन फ़िल्टर के जो टैंक होते हैं, अगर आप वहाँ जाके देखें तो वो इतने साफ़ सुथरे नहीं होते। अच्छा, ट्रामा सेंटर के बाहर ये पार्क बनाया है उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त पार्क है, बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है, बेहतरीन, यानी कि समझ लेंगे सहूलियात सारी आ खान, लियाकत नेशनल जैसी हैं, और प्राइस के अंदर अगर हम बात करें आ खान और लियाकत नेशनल को कंपेयर करें,
डाउ से, तो डाउ में तकरीबन 60%, ये समझ लीजिए 50% तकरीबन ऑफ है। ये आप लगा लें अंदाज़ा कि अगर आप डाउ में इलाज करवाते हैं या आ खान में लियाकत नेशनल में करवाते हैं, तो अगर लियाकत नेशनल में आ खान में 1,00,000 रुपये खर्च होंगे आपके किसी इलाज के, तो डाउ में आपके 50,000-60,000 में वो काम हो जाए। ओके व्यूअर्स, अगर मेडिकल के हवाले से आपको कोई रब्ता करना हो, कोई बात पूछनी हो, कोई हमारी मदद चाहिए हो, कोई मशवरा चाहिए हो, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में हमें याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।